विचार करने पे मजबूर करने वाली है। उस टाइम पे जो यूटेंसिल्स यहाँ पे यूज होते थे, विच इज द ट्रेडिशन ऑफ दिस वन ऑफ द काइंड म्यूजियम, और ये मीलों से और किलोमीटर्स दूर से लेके आते थे। इसके अंदर वो फिल्टर लगा हुआ है, म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट, और वो शिव जी है, मतलब जितने हैं सब 100 साल पुराने ही होंगे। गणपति बप्पा मौर्य, ओ अच्छा ये कौड़ी से बने हुए हैं। यस मैम, अभी बताओ क्या क्या मिल जाएगा हमें स्वीट में। अगर स्वीट में आपको चाहिए तो गुलाब जामुन, चूरमा ना लाडू, मगजना लाडू, जलेबी। नो प्रॉब्लम। फरसान में चाहिए तो हांडवा, ढोकला, पात्रा, दूधीना मुठिया, दही वड़ा, दही बूंदी, लिलवानी टिक्की, अभी नहीं है तो नारियल। सो ये है यहाँ का डिनर एरिया, और यहाँ पे डिनर वगैरह का पूरा सेटअप देख सकते हो। यहाँ देखो एकदम, मतलब जो गांव वाला ट्रेडिशनल स्टाइल होता है ना, उस टाइप में है। खाट वगैरह लगी हुई है, एंड यहाँ पे पपेट शो भी होता है। ओ झूला, अरे झूले को झुलाते नहीं, बैठ के झूलते हैं। एवरीथिंग इज अलाउड, व्हाई नॉट। मेरे पैर नहीं पहुंच रहे, टंगी रहो। Oh, so nice यार, see. This is the whole dining area. ये देखो यार, यहाँ पे भी नीचे ना कुछ, आई गेस कुछ बिछाएंगे यहाँ पे, और आप ऐसे बैठ करके दिस इज द टेबल। तो आगे आइए, यही है सर, हांडवा। ओके, ये गुजराती डिश है। हाँ जी, गुजराती। थैंक यू सर, थैंक यू भैया। वाओ, ये बाहर में। अच्छा बाहर का ना, क्या बोलते हैं। किस चीज़ का बना होता है सर ये? ये लौकी होता है। ओके, हाँ जी, वेजिटेबल लौकी, उसको फ्राई करके बनाते हैं लग रही है। सनाता वो उसका बेसन, बेसन। और चाय भी बोली है सर मैंने। हाँ जी, दो चाय। ओके, सो हियर वी आर विद, व्हाट इज इट, खांडवा। खांडवा, दिस इज खांडवा, और चाय हमारी आ रही है विद ग्रीन एंड रेड चटनीज। So let's have a khandwa. यार मतलब इसका जो टेस्ट है ना, पहले तो प्राइस देखे तो बहुत डर गया कि काफ़ी ज़्यादा हाईली प्राइस्ड है। भाई प्राइस तो, जब इसका टेस्ट का सारी चीज़ है, बहुत अच्छा टेस्ट इज रियली नाइस। थैंक यू, चाय भी आ गई। चाय के साथ में खाकर आ, खाकरा भी है कॉम्प्लीमेंट्री। ओ नाइस, एंड द स्टाइल, यू नो द प्रेजेंटेशन इज रियली नाइस। ऑसम,
थैंक यू भैया जी, थैंक यू सो मच भैया। टेस्ट, प्रेजेंटेशन, एम्बियंस 10 out of 10। हम लेते हैं टेस्ट का मजा, फिर मिलते हैं खाने के बाद, फिर मिलते हैं आपको डिनर टाइम में। कर लिया यार हमने अपनी टी टाइम को कवर। और यार इधर देखो, एक चीज़ दिखाना था, ये इनका मतलब टी स्पॉट है, और उस साइड पे आप जाओगे ना, उस साइड पे है डाइनिंग एरिया। बट यार ये जो इनका टी स्पॉट है ना, जहाँ पे आप स्नैक्स वगैरह खा सकते हो, ये जो टेबल्स देख रहे हो, ये पूरी वुडन की टेबल है। और ये वन ट्री है, मतलब इसको काटा हुआ नहीं है, ये सीधा एक ही पूरी ट्री का ब्रांच है, मतलब एक ही पूरी ट्री की जो मेन ट्रंक जो होती है ना, वो पूरी ट्रंक को ही काट के बनाया हुआ है। जैसे ये वाला टेबल देखो यार, इट लुक्स सो ऑसम। और ये जो एकदम ऑथेंटिक वाली फील आ रही है ना यहाँ पे यार, दैट इज मतलब इनको मतलब वर्ड में कोई चीज़ को एक्सप्रेस करना ना पॉसिबल नहीं हो पा रहा। आप आवा एक्सपीरियंस करो, मतलब बहुत मज़ा आने वाला है। और अभी तो नाइट शो बाकी है, लेट्स सी, वहाँ पे पपेट शो होता है, नाइट में डिनर होता है जो 7:30 या 8 बजे से ओपन होता है, वो देखने लायक होगा। लेट्स सी, अभी मैं तो अभी बहुत अमेज्ड हूँ टू सी दी प्लेस, टू सी दी व्यू, टू सी दी प्रेजेंटेशन। लेट्स सी व्हाट वी गेट इन द डिनर। आई डोंट नो क्योंकि रात हो गई है, फुटेज क्वालिटी कैसी आएगी, बट अभी जो है यही है।
द थिंग इज भैया रात हो गई ना तो फुटेज में थोड़ा कॉम्प्रोमाइज कर लेना. सी द थिंग इज ना कि ये जो बना हुआ है ना ये यहाँ पे ही बनाया भी जाता है मिट्टी का. और ये देखो ये है बटर और ये देखो इधर दिस इज समथिंग व्हाट वी वांट. अभी आना बाकी है. वेट एंड वॉच. देखो यार मुझे तो खाना है नहीं लेकिन खाना देख के तो मैं बोल सकता हूँ कि आयशा तो आने वाली है काफ़ी मज़ा. क्योंकि यार खाना ये दिस इज ओनली सैलेड और अभी खाना आना बाकी है. ऐसा मुँह देखो. मुझे लगा ये पूरा खाना है एक्चुअली. तो भाई साहब देखो इसके सामने खाने पे खाना आता जा रहा है. और ये देखो ये इतना कुछ इसे खाना है. आई एम विशिंग जस्ट बेस्ट ऑफ लक टू आयशा. और ये देख लो इतना खाना ये खाने वाली है. चार्ज पियो चार्ज. आज लगती है 1000 की बेट. अगर पूरा खाना आयशा ख़त्म कर देती है ना तो मैं ऐसे दूंगा पक्का 1000. तो यार हम लोग निकल आए वापस बाहर. और विशाला का यार मतलब विशाला एक्चुअल में बहुत विशाल है. और ये कह सकते हैं कि यार मतलब अल्टीमेट एक्सपीरियंस है जो आप मतलब विशाल इन सेंस कल्चरल और यहाँ के फूड ऑथेंटिसिटी क्वालिटी ऑफ फूड स्टाफ कोऑपरेशन स्टाफ वेलकमिंग नेचर एवरीथिंग वाज परफेक्ट. बहुत अच्छा था. मतलब आप यहाँ पे आओगे ना तो यू कैन स्पेंड अप्रॉक्स 6 to 7 hours तो यू ही भाई मज़ा आएगा यार. डेफिनेटली आपको बहुत मज़ा आएगा और बहुत सारी चीज़ें आप ऐसी एक्सपीरियंस करोगे जो मैं कह सकता हूँ कि वन ऑफ इट्स ओन काइंड है. और यार ये ज़बरदस्त एक्सपीरियंस है. आप मतलब मैं तो 100% रिकमेंड करता हूँ कि अगर आप अहमदाबाद में हो कहीं पर भी और ये वीडियो देख रहे हो तो भाई अगर अभी तक एक्सपीरियंस नहीं किया आओ और विशाला को एक्सपीरियंस करो. चाहे इसका म्यूजियम हो चाहे इसकी एम्बियंस हो चाहे इसका फूड हो आपको डेफिनेटली मज़ा आने वाला है. और हाँ एक और सजेशन हमारे अकॉर्डिंग ये रहेगा कि हम यहाँ पे आए मिड ऑफ द डे में हमने यहाँ पे नाश्ता टाइप का समथिंग ले लिया बट दैट बिकम्स टू हैवी कि उतनी बड़ी थाली हम कवर नहीं कर पा रहे थे. तो अगर आप मिड ऑफ द डे आते हो तो प्लीज़ टेक सम टी एंड वेट फॉर द डिनर. अगर डिनर लेना है तो और ज़्यादा कुछ मतलब डिनर अगर करना है ना तो बहुत ज़्यादा कुछ खाना नहीं वरना जगह नहीं बचने वाली पेट में. तो डिनर करना है फुल मोर देन. मिलते हैं आपको नेक्स्ट व्लॉग में. तब तक स्टे विद अस एंड डू लाइक सब्सक्राइब एंड शेयर द वीडियो एंड आल्सो